हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ ये है गैस स्टोव। इसमें एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जैसे कि ये जो आप यहाँ पर स्टोव को जैसे ही ऑन करते हैं तो ये फ्लेम ऑन हो जाता है। बट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस साइड में, ये जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये इस प्रॉब्लम हो चुका है कि ये बहुत ही हार्ड हो चुका है। तो मैं इसे बिल्कुल ही स्लो कर लूँगा। इसे स्लो करने का तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर ले ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करके दिखा देता हूं। ये जो है ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद इसका फ्लेम जो देख रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। बट इसे देखें कि जैसे ही मैं लो कर रहा हूँ इस तरह से, तो जैसे कि लास्ट होने के बाद इसे हल्के लो पर रहना चाहिए, बट देखें ये ऑफ हो चुका है। तो प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि इसे लो करने के बाद ये भी ऑफ हो जाता है। तो मैं इसे भी सही कर लूँगा। और यहाँ जो देख रहे हैं कि मैं इसे ऑन कर रहा हूँ काफ़ी जोर लगाने के बाद, और ये देखें कि इसमें आवाज़ें थोड़ा सा आती है। ये देखें ये आवाज़ें आती है, बट ये ऑन होता है थोड़ा सा, बहुत ही हार्ड हो चुका है कि जो भी अगर गृहिणी इस तरह से यूज करेंगे तो उसे इस तरह से घुमाने में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो मैं इसे बिल्कुल ही सही कर लूँगा। और इसे देखें, जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो इस तरह से मैं ऑन कर रहा हूँ, बट ये इतना हार्ड है कि ये आसानी से घूम नहीं रहा है। और अब देखें ये भी ऑन हो चुका है। और ये देखें कि ये जो फ्लेम है इसका, जब मैं इसे बिल्कुल ही कम कर दिया हूँ बट ये भी ग्लो कर रहा है। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये ग्लो नहीं करता, ये ऑफ हो जा रहा है। नेपल वो बिल्कुल ही हार्ड हो चुका है। तो मैं इसे ही बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। अब इसे मैं फटाफट खोल लेता हूँ। खोलने से पहले आपको अपने रेगुलेटर से मेन रेगुलेटर को जो है वो ऑफ कर लेना है। मैं ऑफ कर लिया हूँ। और इसे ऑफ करने के बाद इसे मैं बिल्कुल ऑफ करके इसके रेगुलेटर को मैं सिलेंडर से अलग भी कर लिया हूँ। ये देखो, सिलेंडर से मैं अलग कर लिया हूँ क्योंकि इससे कुछ से भी अटैच नहीं रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका गैस जो है वो लीक होगा। अब देखें इसे खोलने के लिए सबसे पहले इन सभी को मैं यहाँ से हटा लूँगा, इसके जितने भी कैप। इसे भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं निपल को। और अब मैं इसे यहाँ पर जो स्क्रू है, इसी स्क्रू को सिर्फ आपको खोलना है। ये खोलने के बाद ये आसानी पूर्वक आपका निकल जाएगा क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग का यूज कर दिया जाता है इसे लॉक करने के लिए, और इसे दबाए रखता है इसलिए, ताकि ये बाहर की ओर निकले ना। अब देखें जैसे ही मैं इसे खोलूँगा ये आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ ये स्क्रू को आपको खोलना रहता है। देखिए निकल चुका है। अब मैं यहाँ पर इसे निकाल लूँगा। देखें ये भी निकल चुका है साइड का। ये इस साइड का है जो इस साइड में मैं रखा हूँ, इसे बिल्कुल ही क्लीन करना है। ये भी बिल्कुल क्लीन कर लेना है। इसके बाद मैं फिर यहाँ पर आपको क्लीन करके दिखाऊंगा। देख रहे हैं काफी डस्ट इसमें लग चुका है, यही डस्ट के कारण जो है ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इन सभी को बिल्कुल ही क्लीन करना है। पहले मैं इसे जरा सा वॉश करूंगा क्योंकि इतनी सारी जो डस्ट लग चुका है जिसके कारण जो प्रॉब्लम आ चुका है इसे क्लीन करना होगा। Thank you.
देखें ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर टेस्टिंग करूँगा। ये मैं यहाँ पर रेगुलेटर भी ऑन कर दिया हूँ और ये देखें बिल्कुल आसानी से ये भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लाइटर को ऑन कर लेता हूँ और अब देखें लाइट इसका ये बिल्कुल सही से वर्क भी कर रहा है और ये देखें लो फ्लेम भी हो रहा है और ये बिल्कुल प्रोसेस भी इसका बहुत अच्छा हो चुका है इस तरह से। तो ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा में जो क्या होता था कि ये कम होने के बाद इसका फ्लेम जो है वो ऑफ हो जाता था, मैं इसे भी ऑन करके दिखाता हूँ। तो अब देखें इसे कम करने के बाद भी अब देखिए ये ऑन है, अब ये ऑफ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो चुका है। तो इस तरह से अब ये भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बिल्कुल लो फ्लेम करें तो लो फ्लेम पर भी ये अच्छे से वर्क करने लगा है। तो देखा आपने कि कैसे मैंने इसका सर्विसिंग किया और ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दोनों फ्लेम जो है वो बिल्कुल सही से और कम भी, और जिस तरह से मैं कम भी कर रहा हूँ कम भी हो रहा है दोनों फ्लेम भी, और ये जो हार्ड था ये भी बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि इसका लो भी जो है वो भी हाई है, इसका भी लो जो है वो भी बिल्कुल हाई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।